बहुत ही संवेदनशील सूचना हम लोग को मिली शाम में। मेरे मोबाइल पे फ़ोन आया था और फ़ोन आया तो फ़ोन की सूचना थी कि एग्जीबिशन रोड में एक आनंद टावर है पेंटालून शोरूम के बगल में, उसके थर्ड फ्लोर पर एक स्टील इंडस्ट्री है, उसका ऑफिस है, स्टील इंडस्ट्री दुर्गापुर में है, उसका ऑफिस है, वहाँ पर अज्ञात अपराधियों द्वारा घटना किया गया है और लगभग 57 लाख रुपए की लूट की गई है। इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से मेरे पास आया था, उस इन्फॉर्मेशन के आने के साथ ही हम लोगों को संदेह हुआ कि ये लूट की घटना तो नहीं है। मेरे पास 7 बजे शाम में कॉल आया है, कॉल आने के बाद हमको एक नंबर मिलता है और नंबर जो उस ऑफिस के केयरटेकर हैं उनसे बात करने के लिए हम लोग उसको कांटेक्ट करते हैं, तो कांटेक्ट किया गया तो हमने कांटेक्ट के माध्यम से पता किया तो उन्होंने कहा कि यस ऐसी घटना तो घटी है। फिर क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन में कि आप लेट क्यों बताए, पुलिस को ऐसे कौन बताता है, थाना में क्यों नहीं गए और हमको तीसरा आदमी से फ़ोन क्यों आ रहा है, कुछ संतोषप्रद जवाब नहीं मिला। लेकिन चूंकि इतनी बड़ी घटना थी, 57 लाख की लूट की बात है, एग्जीबिशन रोड है, गांधी मैदान है, वीआईपी इलाका है और वहाँ इतना पैसा होना स्वाभाविक भी है, वहाँ बहुत सारे बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं, यहाँ इतना पैसा होता है। तो फिर हम लोग मौके पर गए थे, सादे में गए थे रात में, लगभग हम लोग 2 से 3 घंटा उस रात वहाँ थे, घटनास्थल का निरीक्षण हम लोग किए। बहुत ही बिजी बिल्डिंग है आनंद टावर, उसमें लिफ्ट भी है, सीढ़ी भी है, हर फ्लोर पर सीसीटीवी भी है, कुछ कार्यरत है कुछ नहीं भी है। तीसरे तल्ले पे ये एक मकान है, फ्लैट है जिसमें कि ऑफिस चलता है, उसमें सब ऑफिस ही है, लेकिन उसमें वहाँ तीसरे फ्लोर तक जाने के दौरान हम लोगों को ये एहसास हुआ कि यहाँ पे कोई भी आदमी किसी ऑफिस में आएगा और ऐसी घटना करके चला जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसा असंभव है। लेकिन जैसा कि सूचना हम लोग को मिल रही थी, हम लोग वही मान के चल रहे थे और क्योंकि रात का लेट हो गया था, हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि अगले दिन FIR होगा और FIR ऐसे करने में चूँकि ये कर्मी थे ये दोनों, तो दोनों लोग फिर अपने मालिक से बात करेंगे, कांटेक्ट करेंगे और उसकी दिशा निर्देश पर FIR होगा। FIR 2 को नहीं होता है, 3 को नहीं होता है, 4 को नहीं होता है, और लेकिन हम लोग अपना अनुसंधान प्रारंभ कर दिए हैं और हम लोग फिर CCTV फुटेजेस देखते हैं तो उसमें बहुत सारा चीज़ क्लियर होता है। जब सूचना दी गई थी हम लोगों को तो लूट का जो तरीका था उस पर भी हम लोगों को भारी संदेह हुआ था, बताया गया था कि अपराध अज्ञात अपराधकर्मी लगभग 3:50 में ऑफिस में घुसते हैं, नाम है रवि भास्कर, ये तगादा करके पटना के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से पैसा लेके आया है और अंदर घुसा है और जैसे घुसता है तो उसके पीठ के पीछे 3 लोग इसको धक्का देके ऑफिस में घुस जाते हैं और अप्रत्याशित रूप से, जैसे हम लोग कभी नहीं सुने, 10 साल की नौकरी में पहली बार ऐसा सुना है कि एक शराब का बोतल उनके पास होता है, उसको वो खिड़की में फोड़ते हैं और शराब इसके देह पर डाल देते हैं और बोलते हैं पैसा दे देने तो आग लगा देंगे। इसने पैसा दे देता है और फिर वो लोग चले जाते हैं, ये पूछने पर कि तुम बाहर निकल के हल्ला काहे नहीं किया, तो इसने कहा चूंकि बिहार में शराबबंदी है तुम बाहर निकलते तो पुलिस हमको धर लेती। तो अपने आप में अजीब टाइप का ये जो घटना का विवरण है इस व्यक्ति ने दिया। हम लोग जब CCTV फुटेजेस देखे तो उसमें दिखा कि अपराधी जो हैं वो ठीक उसी टाइम पे बिल्डिंग में आते हैं जिस वक्त ये तगादा करके स्कूटी लेके घुसता है, इसका मतलब उनको पहले से पता था कि कब यहाँ आने वाला है। इसका स्कूटी अंदर जाता है और अपराधी पैदल पीछे आते हैं, अपराधी हवाई चप्पल पहने हुए हैं, लोअर पहने हुए हैं, टी शर्ट पहने हुए हैं, टोपी पहने हुए, मास्क पहने हुए हैं, सीढ़ी के रास्ते अपराधी आते हैं, किसी तरह का फोर्स एंट्री नहीं है दिखाई दे रहा, आराम से ऑफिस में घुसते हैं और सबसे बड़ी बात है घटना करने के बाद बिना किसी दबाव के आराम से निकलते हैं पैदल, बिना किसी हड़बड़ाहट के बैग पे पीठ पे बैग लटका के वो लोग एग्जीबिशन रोड के रास्ते जमाल रोड की तरफ होते हुए स्टेशन की तरफ जाते हैं और वहाँ से ऑटो पकड़ के चले जाते हैं। उनको किसी तरह की हड़बड़ाहट नहीं है कि पीछे से हमको दौड़ा देगा आदमी, पीछे से हमको बिल्डिंग से बहुत सारे लोग दौड़ा के पकड़ सकते हैं, एग्जीबिशन रोड भारी भीड़ भाड़ वाला इलाका है,
तो इन सब चीज़ों से हम लोग पुष्ट हो गए थे 5-6 तारीख तक कि होना ये अंदर का खेल है, लूट की घटना तो ये नहीं है। लेकिन फिर हम लोगों को परसों कॉन्टैक्ट किया गया कि आप तक तो अपने उस अभी तक उस केस में आप लोगों ने कुछ किया नहीं, तो हम लोगों ने बताया कि FIR तो हुआ नहीं, लेकिन हम लोगों ने जो अनुसंधान किया है उससे स्पष्ट है कि खेल अंदर का ही। तो फिर कल FIR हुआ, और कल FIR हुआ तो चूंकि उद्भेदन पहले हो चुका था तो 2 से 3 घंटा लगा इसको ब्रेक करने में। कल दोपहर का FIR है, रात में 12 बजे इन्होंने बोला कि सर हम ही कराए थे अपने दोस्त को बुला के, और हम लोग ये सांग रचे थे और पैसा मेरे पास है, तो 40 लाख रुपया इसको मिला, लगभग 15 लाख रुपया वो दोस्त को उसने दिया है, 40 लाख उन्होंने बरामद कर लिया है। इसको हम लोग लूट का केस दर्ज किए हैं और उसमें ये जेल जा रहा है। इसके दूसरे जो अपराधकर्मी हैं, दोस्त हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। ये है रैली गांव के, NTPC थाना का रैली गांव है, वहां का रहने वाला है, BEd किया हुआ व्यक्ति है, नौकरी नहीं करता है, तैयारी करने की बात करता है, दिमाग से तेज है। जो दूसरा सहयोगी इसका है ऑफिस में, अपराध में नहीं, श्रीकांत शर्मा है, ये जमशेदपुर का रहने वाला है, ये भी 2 साल से लगभग इस एजेंसी के ऑफिस में एग्जीबिशन रूम में काम कर रहा है। उल्लेखनीय बात यह है कि पिछले साल नवंबर माह में भी ऐसी घटना घटी थी जो अगेन रिपोर्ट नहीं हुई थी, तो चूंकि लूट तो थी नहीं, अंदर की बात थी, और चूंकि कैश का डीलिंग होता है तो हो सकता है कि FIR करने वाले ने सोचा हो कि FIR नहीं किया जाए, तो FIR हुआ और इस तरह से इसका उद्भेदन हुआ। तो बेसिकली ये एक गबन के रूप में बाद में निकल के आया और लूट का इसको रंग देने का प्रयास किया गया था, और FIR हो जाने के बाद विदिन 2-3 आवर्स इसका हम लोग उद्भेदन कर लिए थे। हालांकि इसके पहले का अब एग्जैक्ट तो कयास की बात है, लेकिन हम लोग को जो सूचना है लगभग 40 लाख रुपये थी। इस ऑफिस का बिजनेस काफ़ी बृहद है और फैक्ट्री है, तो एक दिन में अगर इसके पास 57 लाख रुपये तो समझ सकते हैं कि महीने भर में कितना पैसा आता होगा। ये जो कल्प्रिट है वो इसी ऑफिस का कब काम करता है, पिछले साल फरवरी से यहाँ काम करता है, ये राकेश भास्कर जो है, रवि भास्कर, सर रवि भास्कर किस पोस्ट पर है? सर पोस्ट थोड़ी है, मतलब कि ऐसे ही है। अच्छा, पोस्ट क्या है? FIR कौन कराएगा? FIR यही करेगा ना, बिकॉज ही इज द विक्टिम, इसी के बयान पे FIR है, लूट का FIR, बट ये जेल जाएगा क्योंकि इसी बात से बरामदगी हुई है और इसको चार्जशीट हम लोग करेंगे। सर एक चीज़, पहले जो आपने केस का रजिस्ट्रेशन किया वो FIR नहीं हुआ उसके पहले सूचना पर किया? सर पुलिस तो सूचना पर बहुत सारा चीज़ करती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमको पता चल गया कि अपराधी यही लोग हैं, लेकिन हम पूछे किससे, धरे किसको, FIR तो हुआ ही नहीं। पैसों की बरामदगी कहाँ से? पैसा की बरामदगी, इसका डेरा है, इसके भाई लोग रहता है कदम कुआं क्षेत्र में, लॉज है बुद्ध मूर्ति के पास, वहाँ से हुआ, वहीं पर उसने एक झोला है, झोला में रख दिया, ये वो शराब का बोतल है, इसको उसने फोड़ के किया गया था, पीओ को हम लोग देखे, और ये इसका मोबाइल है। इस घटना को हम लोग ने 1 तारीख से ही, क्योंकि जिस तरह से हम लोग को सूचना मिली थी तो वो सूचना तो गंभीर थी, अनुसंधान में भले इस तरह की बातें आ रही थी लेकिन हम लोगों ने उसी दिन से टीम बनाया और लगातार इसकी मॉनिटरिंग हुई, और कल FIR में कन्वर्ट हुआ ये, और कल रात में हम लोग बरामद कर दिया। रवि भास्कर माने कंप्लेनर भी और आरोपी है, दोनों यही है। आप 7 दिन की कहानी को भूल जाइए, कल अगर मेरे पास आता तो FIR किसके बयान पे होता? जिसने लूट हुआ, लूट वैसे हुआ, लेकिन चूंकि हम 7 दिन पहले अनुसंधान कर चुके थे, हमको 2 मिनट लगा खेल करने में, तो फिर बरामद हुआ। सर खुद प्लानिंग करता है, फिर पूरे बातों को बताता है पुलिस को, आखिर क्या मतलब इसकी मंशा क्या थी? आखिर पुलिस का डर भी कोई चीज़ होता है ना, जैसे FIR लास्ट टाइम नहीं हुआ, इसको पता है ना कि बहुत कैश का डीलिंग है, FIR नहीं होगा। जनरली लोग बिजनेस मैन आप लोग देखते होंगे, ऐसी बात आती है कि कैश का जहाँ लूट वगैरह होता है तो वहाँ कम दिखाते हैं या कभी कभी नहीं दिखाते हैं। ये कंपनी, इसको एक बार ऐसा अनुभव हुआ कि हमने लूट लिया, किसी को कुछ पता नहीं चला, दूसरी बार इसको लगा कि ठीक फिर से करते हैं, कर दिया इसने, इस बार दुर्भाग्य से FIR हो गया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।